विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। अमित शाह के बयान पर भड़के अरविंद केजरीवाल, कहा क्या दिल्ली पंजाब और गुजरात के लोग पाकिस्तानी हैं? शाह ने आप समर्थकों को कहा था पाकिस्तानी। दिल्ली का पानी रोक रहा हरियाणा, दिल्ली में मतदान से पहले आपने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा स्वाति मालीवाल का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। ओडिशा में बीजेपी में गए बीजेडी के 4 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी, 27 मई तक देना होगा जवाब। मंगलवार को बीजेडी ने विधानसभा अध्यक्ष को दल बदल कानून के तहत विधायकों की सदस्यता रद्द करने की दी थी याचिका। दिल्ली मेट्रो में सीएम केजरीवाल के नाम धमकी भरे मैसेज लिखने वाला शख्स गिरफ्तार, बैंक में करता है नौकरी, आपने बीजेपी पर लगाया था आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर लोगों को भड़काने, भावनात्मक रूप से लूटने के लगाए आरोप, कहा हवा का रुख इंडिया गठबंधन की तरफ, हम बीजेपी को बहुमत पाने से रोकने में सक्षम। पोर्शे कांड के आरोपी नाबालिग को नोटिस जारी, आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेशी, बोर्ड ने पहले निबंध लिखवाकर दे दी थी जमानत, आरोपी अमीर बिल्डर का बेटा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका, चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी इजाजत, केजरीवाल की जमानत का दिया था हवाला। एसआईटी करेगी स्वाति मालीवाल मारपीट केस की जांच, इसमें दिल्ली पुलिस के 4 अधिकारी, एक दिन पहले सीएम हाउस में विभव के साथ सीन किया रिक्रिएट। बंगाल में फिर बवाल, अभिनेता व बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो पर हुई पत्थरबाजी, अभिनेता मेदिनीपुर से बीजेपी उम्मीदवार अग्नि मित्रा पॉल के समर्थन में कर रहे थे रोड शो। मुंबई होर्डिंग हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन, टीम ने आरोपी भावेश भिंडे के घर से दस्तावेज किए जब्त, हादसे में एक और की गई जान, 17 हुई संख्या। बीजेपी को लेकर आम आदमी पार्टी का ट्वीट, लिखा बीजेपी ने किया करोड़ों का इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, साथ ही लोकतांत्रिक तरीके से चुने गई सरकारों को गिराया, विपक्षी नेताओं को झूठे मुकदमों में भेजा जेल। सिंगापुर में तेजी से फैल रहा कोविड-19 का नया वेरिएंट, जून में हालात बेकाबू होने के आसार, भारत में कोरोना वेरिएंट KP1 के 34 और KP2 के 290 मामले आए सामने। प्रचंड गर्मी और लू से बढ़ी सब्जियों दालों की महंगाई, गड़बड़ा गया रसोई का बजट, अप्रैल में 11 महीने के निचले स्तर, 4.8% पर थी ओवरऑल खुदरा महंगाई। बिग बॉस में बड़ा बदलाव, रितेश देशमुख बने नए होस्ट, सलमान खान की जगह महेश मांजरेकर को कर रहे हैं रिप्लेस, बिग बॉस मराठी को करेंगे होस्ट।